तो ये है मेरा F&D 5060X। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या कंटेंट्स हैं, इसकी अनबॉक्सिंग कैसी है, अनबॉक्स करके देखते हैं इसे। ये रहा मेरा F&D F5060X। इस तरह से इसके कंटेंट्स हैं। ये स्पीकर्स 5.1, रिमोट सिस्टम और यूज़र मैनुअल, केबल्स, काफ़ी सारी केबल्स हैं इसमें इनबिल्ट। और ये सेल, जैसा कि आप देख सक रहे हैं, ये 5 स्पीकर्स हैं, है ना, 2 रियर स्पीकर, 2 फ्रंट स्पीकर और एक मिड स्पीकर, जिसमें 2 स्पीकर्स हैं इनबिल्ट। और ये रहा हमारा बेस बूस्टर, बूफर, मेन पोर्शन होम थिएटर का। चलिए इसे निकाल के देखते हैं। ये रहा बूस्टर, इस तरह से बूफर है। ये रहा बूफर। चलिए अब स्पीकर्स देखते हैं हम। ये रहा एक स्पीकर, ये दूसरा, तीसरा स्पीकर, चौथा स्पीकर और ये रहा सेंटर स्पीकर, पांचवा। इसमें 2 स्पीकर हैं और एक ट्विटर है, एक ट्विटर है सॉरी। और ये रहा रिमोट केबल, चलिए अब इसे हम प्ले करके देखते हैं इसका साउंड कैसा है। तो जैसा आप देख सक रहे हैं, ये मैंने सारे स्पीकर्स को ओपन कर लिया हूँ, सब स्पीकर्स की पन्नियाँ हटा लिया हूँ। तो इस तरह से इन स्पीकर्स का लुक है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, समथिंग ये साइज है इनका। फाइव स्पीकर्स एंड 1 वूफर और 8 इंच की बेस ड्राइव है इसमें। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, जो बूफर है, बूफर में समथिंग 8 इंच की बेस ड्राइव है। ये देखिए 8 इंच बेस बूफर, F&D का काफ़ी अच्छा मॉडल है ये। चलिए इसका साउंड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या साउंड मिलता है हमें इसमें 10K की रेंज में। ये रहा बैक पोर्शन होम थिएटर का, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए हैं पीछे, ये सारे इनपुट फीचर्स हैं, ये देख रहे हैं आप। ये ऑक्सिलरी इनपुट है, ये DVD के लिए इनपुट है,
डीवीडी के लिए आप इनपुट यहाँ से दे सकते हैं और ऑक्सिलरी के थ्रू यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। और ये आउटपुट पोर्शन है, पांच पोर्ट बने हुए हैं आउटपुट के लिए यहाँ पे, और ये ऑन ऑफ स्विच है, और ये एंटीना दिया हुआ है एफएम के लिए, इनबिल्ट एफएम है इसमें। तो इसमें हमें चलिए देखते हैं वायर, काफ़ी इजी है इसमें वायर फंसाना, चलिए देखते हैं। इस तरह से हमें इसमें वायर फंसाना है, चलिए एक वायर आपको लगा के दिखाता हूँ मैं। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसमें, रेड ब्लैक ब्लू ब्लैक एंड वाइट ब्लैक, तो रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक वायर लगेगा यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से सारे स्पीकर्स लगाने हैं हमें इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सारी केबल्स सेट कर दिया हूँ इसमें। कलर कोड के हिसाब से और ये रहा इसका फ्रंट व्यू, देख सकते हैं इस तरह से इन्हें सेट करना है। चलिए अब इसे प्ले करके इसका साउंड चेक करते हैं कि कैसा क्या साउंड देता है। तो मैंने पावर सप्लाई दिया हूँ सिस्टम को और इस तरह से ये ऑन हो गया है। इसे ऑन करने के लिए स्विच दबाएं, ये ऑन, जैसे ये ऑन होता है बहुत अच्छा एलईडी इफेक्ट देता है, बाय लुक तो ये बहुत ही सेक्सी है। चलिए देखते हैं इसका साउंड किस हद तक बढ़िया है, चलिए इसका साउंड चेक करते हैं अब हम। तो ये रहा इसका रिमोट, काफ़ी फीचर्स है इसमें, वॉल्यूम अप डाउन और चैनल ट्यून के लिए भी है एफएम के लिए, और बेस ट्रबल सबसेट करने का ऑप्शन है ये यहाँ पे दिया हुआ है। आप पांचों स्पीकर्स का वॉल्यूम सेट कर सकते हो, फ्रंट सेंटर और रियर स्पीकर्स का वॉल्यूम यहाँ सेट कर सकते हो, सब वूफर का साउंड सेट कर सकते हो यहाँ से आप, और काफ़ी सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले इसका सबसे अच्छा फीचर है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें इनबिल्ट है। तो चलिए हम इससे ब्लूटूथ इनेबल्ड करते हैं सोर्स के थ्रू, ये देखिए, चलिए इसका सोर्स बदलते हैं, ये ब्लूटूथ पे ला लिए हमने इसे। अब हम अपने फ़ोन के थ्रू से ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ब्लूटूथ ऑन कर लिए हमने हमारे फ़ोन का, और सर्च ब्लूटूथ, ये आ गया FND F5060X, इसको कनेक्ट किए, ये ब्लिंक करने लगेगा और जैसे ही कनेक्टेड होता है ये स्टिल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा इस फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी में क्योंकि पेयर भी होगा साथ में। चलिए जब तक ये कनेक्ट हो रहा है मैं आपको बता दूं कि इसमें और कौन कौन से ऑप्शन है। सोर्स की बटन के थ्रू हम इसे ब्लूटूथ से, और DVD के थ्रू, ऑक्सिलरी के थ्रू, और ये FM फंक्शन है, FM अगर आप सर्च करेंगे तो FM कनेक्ट हो जाएगा इससे, और ये भी DVD का इस फंक्शन है, और ये ब्लूटूथ, इतने फंक्शन है इसमें कनेक्टिविटी के। चलिए ये कनेक्ट हो गया है, अब हम इसे प्ले करके देखते हैं कि कैसा साउंड है इसका। अभी इसका वॉल्यूम मीडियम है, 15 पे है, हम इसे प्ले करने के बाद इसका वॉल्यूम अप करके देखेंगे। चलिए थोड़ा बेस बूस्टेड सॉन्ग लगाते हैं, बेस काफी अच्छा है इसका। हम इसका वॉल्यूम अप करके देखता हूँ, तेरे तक ले जाती है तेरे तोड़ती
करेंगे सबका स्वागत। तो इस तरह सा था ये FND एप्स 5060X। अगर आप एक अच्छा क्वालिटी फुल मिनिमम रेंज में हाई डेफिनेशन साउंड सिस्टम चाहते हैं तो मैं इसे रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ले सकते हैं। पर हाँ, अगर आप बेस लवर हैं तो फिर शायद आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, क्योंकि इसका बेस लवर्स को शायद थोड़ा सा कम लगे। बाकी नॉर्मली इसका बेस काफ़ी इफेक्टिव है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें स्पीकर और 1 वाट के ट्विटर भी हैं और साथ में 8 इंच की बेस ड्राइव भी है। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा कॉम्बो दिया है हमें FND ने। तो इस तरह से ये इसकी अनबॉक्सिंग थी और साउंड टेस्टिंग थी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू।